बनाई है। साथ हम गोपाल जी के लिए कुछ सुंदर सा स्टाइलिश बेड बनाएंगे, जैसा हम लोग आजकल अपने घर में बनवाते हैं उसी टाइप का बेड हम गोपाल जी के लिए आज रेडी करेंगे। इसके लिए कुछ वेस्ट मटेरियल्स का भी यूज़ हम करेंगे। खूब सुंदर सा बेड हम जल्दी से जल्दी तैयार कर लेंगे अपने गोपाल जी के लिए। हम सबसे पहले मिठाई का डिब्बा लेंगे और मिठाई के डिब्बे के अंदर सबसे पहले हम फॉर्म को भरेंगे। ग्लू गन की हेल्प से एक एक फॉर्म को करके हम चिपका लेंगे। यहाँ पे टाइट फॉर्म ही लेना है, मुलायम फॉर्म नहीं लेना है। तो अब अच्छे से ग्लू गन की हेल्प से उसको चिपका लेंगे। और हम यहाँ पे कार्डबोर्ड लेंगे जो कि डिब्बे के अंदर घुस जाए उतना बड़ा साइज़ का लेंगे और ग्लू गन की हेल्प से चिपका लेंगे। और एक कार्डबोर्ड लेंगे जो डिब्बे के बराबर होगा, उसको भी अच्छे से ग्लू गन की हेल्प से हम यहाँ पे चिपका लेंगे। जिधर साइड हमने कार्डबोर्ड लगाया उधर साइड फॉर्म का यूज़ नहीं करना है, उसके अपोजिट साइड हम फॉर्म लगाएंगे। फॉर्म की एक शीट उतनी बड़ी कार्ड के डिब्बे के बराबर उसको लगा देंगे। फिर हम ग्रीन कलर का बेड बना रहे हैं तो ग्रीन वेलवेट कपड़े का यूज़ कर रहे हैं। आगे के पोर्शन में ग्लू गन का यूज़ हम बिल्कुल नहीं कर रहे, बगल के पोर्शन में और ऊपर के पोर्शन में ग्लू गन की हेल्प से हम उस कपड़े को अच्छे से स्टिच कर देंगे। आगे के पोर्शन में हम इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि हाथ से अगर आप उसको लगाओगे तो उसमें आपको थोड़ा ऊंचा नीचा खुदूरा जैसे नज़र आएगा, इसलिए हम आगे के पोर्शन में यूज़ नहीं कर रहे। तो यहाँ पहले मैंने बगल बगल में कट कर लिया कैंची से, अच्छे से पहले कट कर लिया बगल में, फिर उसके बाद मैंने ग्लू गन की हेल्प से इसको कपड़े को चिपका दिया अच्छे से। तो हम यहाँ पे जैसे हमने उधर के पोर्शन में किया वैसे ही हम यहाँ भी करेंगे, ऐसे ही कट कर लेंगे दोनों साइड और फिर ग्लू गन की हेल्प से अच्छे से दोनों कपड़े को चिपका लेंगे। और फिर नीचे वाला जो पोर्शन कर रहेगा उसे भी हम अच्छे से ग्लू गन की हेल्प से चिपका देंगे। डिब्बे में अच्छे से कपड़े को चिपका दिया है हमने। यहाँ पे हमारा जो बेड है वो तो रेडी हो गया अच्छे से पक गया। यहाँ पे हमने जो कवर चढ़ाने वाला आता है रोल में, उसका रोल हमने लिया है, उसको बीच से कट कर लिया और उसमें हम गोटा चिपकाएंगे। आप पास सिंपल गोटा ही यूज़ करिए, ज़्यादा सुंदर लगेगा जैसा मैंने यूज़ किया है। तो यहाँ हम अच्छे से गोटा चिपका लेंगे ग्लू गन लगाते हुए। जैसे हमने इसमें इस रोल में गोटा चिपकाया वैसे ही दूसरे रोल में भी चिपका लेंगे। और बेड के नीचे हम गोटा चिपकाएंगे, चौड़ा ही गोटा लीजिए, पतला गोटा अच्छा नहीं है। पतला गोटा लेंगे तो दो लाइन तीन लाइन लगाना पड़ेगा, चौड़ा गोटा लीजिए। जो गोटा मैंने यूज़ किया है उस उतना बड़ा ले सकते हैं या उससे और चौड़ा गोटा का भी यूज़ आप कर सकते हो। एकदम अच्छे से ग्लू गन खेल के चिपका देंगे। जो मैंने पीछे डंडा लगा दिया है वो नहीं लगाना है, वो थोड़ा गड़बड़ हो गया था। या मैंने दो कार्डबोर्ड लिया है, एक बड़ा एक छोटा, हम बराबर कर चिपका लेंगे और उसके ऊपर भी हम ग्रीन वेलवेट कपड़े चिपका लेंगे। जो पोर्शन मैं छोड़ूंगी उसको इसलिए छोड़ रही हूँ क्योंकि उसमें फॉर्म को लगाना है, तो इसलिए मैं उस पोर्शन को कवर नहीं कर रही, क्योंकि ज़रूरी नहीं उसको कवर करना, वो ढक जाएगा। तो हम यहाँ पे अच्छे से ग्लू गन की हेल्प से कपड़े को चिपका लेंगे। मेरे पास मोटा फॉर्म नहीं था इसलिए मैंने कई पार्ट में फॉर्म को लिया और उसको ग्लू गन की हेल्प से एक एक करके चिपका लिया, तो फॉर्म मोटा हो गया। अब हम इस फॉर्म में भी ग्रीन वेलवेट कपड़े को अच्छे से कवर कर देंगे, कहीं से भी फॉर्म दिखे ना, पूरा कपड़े से कवर कर देंगे अच्छे से। फॉर्म कहीं भी दिखना नहीं चाहिए, पूरा कपड़े से कवर होना चाहिए फॉर्म। तो हमने यहाँ पे अच्छे से कपड़े को कवर कर दिया है, कपड़े से कवर कर दिया है। और ढक्कन, डिब्बे का ढक्कन लेंगे, उसे भी हम ग्रीन वेलवेट कपड़े से अच्छे से कवर कर लेंगे। नीचे का जो पोर्शन मैं छोड़ रही हूँ उस पोर्शन को कवर करने की ज़रूरत नहीं है। आगे के पोर्शन में हमने ग्लू गन का यूज़ नहीं किया, साइड में और नीचे के पोर्शन में ग्लू गन का यूज़ किया। अच्छे से हम इसको जैसे मैं चिपका लूँ वैसे ही चिपका लेंगे हम। यहाँ पे हम मसलन बनाएंगे तो उसके लिए एक फॉर्म लिया, उसको रोल करके इनमें ग्लू गन लगा देंगे। कपड़े में भी ग्लू गन लगा के अच्छे से रोल करते हुए उसको चिपका लेंगे फॉर्म को। अगल बगल ग्लू गन अंदर के पोर्शन में लगाएंगे और उसको चिपका देंगे।
यहाँ पे मैंने गोटा यूज़ किया है, पतला गोटा का साइड में दोनों तरफ लगाने के लिए। तो इस तरह से हम गोटा भी लगा लेंगे दोनों तरफ मसलन में। आप सिल्क के भी मसलन बना सकते हो। मैंने यहाँ पर चिपका के मसलन को रेडी किया है। अब ढक्कन में भी हम वही गोटा का यूज़ कर रहे हैं जो हमने मसलन में यूज़ किया है। ढक्कन में बीचों बीच गोटा हम लगा रहे हैं, अच्छे से हम उसको लगा लेंगे। यहाँ पे हमने जो फॉर्म को रेडी किया था उस फॉर्म में हम सुई धागे की हेल्प से अच्छे से स्टिच करेंगे, बीच बीच में पॉइंट बनाएंगे, जैसे आजकल हम अपने बेड में बनवाते हैं वैसे ही। तो एक एक करके हम सब पॉइंट्स को रेडी करेंगे। मैंने यहाँ पे जैसे एक पॉइंट को रेडी किया वैसे ही साइड में किया, वैसे बीच में करेंगे और टाइट खींच के करना है, ढीला नहीं करना है, टाइट खींच के करेंगे तभी वो शेप में आएगा, वो अच्छा लगेगा। फिर हमने नीचे कर लिया है, तीन लाइन में हमने किया। इस तरह हम ऊपर से भी कर लेंगे, साइड में भी। अच्छे से टाइट ही करना है जिससे वो डिज़ाइन बन जाए। अगर आप ढीला करेंगे तो डिज़ाइन नहीं बन पाएगी। देखिए मैंने यहाँ पे रेडी कर लिया है अच्छे से। अब हम जहाँ पे तख्ते दिख रही है वहाँ पे दिख रहा था उस पर हम चिपका देंगे रूगन की हेल्प से उस फॉर्म को। तो यहाँ मैंने अच्छे से इसे चिपका दिया है। अब हम इसमें जहाँ जहाँ हमने स्टिच किया था उसमें नग लगाएंगे। आप पास जो नग आप यूज़ कर सकते हो, मैंने यहाँ स्टोन वाला नग यूज़ किया है, उसको हमने अच्छे से रूगन से चिपका दिया है। अब इस पार्ट को हम पीछे लगाएंगे बेड के। लगा दिया। अब हम इस बेड में पीछे भी गोटा इसलिए मैंने लगाया क्योंकि मैंने गलती से डंडे को चिपका दिया था तो थोड़ा ख़राब लग रहा था, इसके लिए मैंने पीछे गोटा लगा दिया। और यहाँ पर डंडे को हम पीछे चिपका देंगे। यहाँ पर मैं गोटा लगा रही हूँ जो हमने जोड़ा था उसी के बीच में ही गोटा लगाना है हमें। तो हम यहाँ पर गोटा अच्छे से लगा दिया है। पे हमने नेट कपड़ा वाइट लिया है और उसको सिल लिया है मोड़ के हल्का सा। यहाँ पे मैंने स्ट्रो का यूज़ किया है, मेरे पास वो पाइप नहीं था तो मैंने स्ट्रो का यूज़ किया है। यहाँ पे स्ट्रो तो आपको इजीली मिल भी जाएगा, उसको साइड से टेढ़ा कट करके बस एक के अंदर एक घुसेड़ दिया। ढक्कन जितना बड़ा है उतने साइज़ का उतना बड़ा हमको पाइप बना के रेडी करना है। तो यहाँ पे मैंने रेडी कर लिया है इसको। अब हम एक एक करके पर जो हमने नेट को सिल के रेडी किया था उसको डालेंगे पाइप के अंदर। मैंने यहाँ पे डाल लिया है। और पेन मैंने लिया है, जो आपके पास खाली पेन हो आप उसे ले लीजिए। और जैसे हमने डंडे में गोटा को लपेटा था वैसे ही पेन को में भी गोटा को अच्छे से लपेट देंगे और आगे वाले पोर्शन में बैठ के पेन को हम अच्छे से ग्लू गन की हेल्प से चिपका देंगे। अब हम ढक्कन में पाइप को ग्लू गन की हेल्प से चिपकाएंगे। ऊपर साइड ही चिपकाना है, नीचे साइड नहीं चिपकाना है। ढक्कन का जो ऊपर होगा, ऊपर का पोर्शन है उस पर हमको चिपकाना है ऊपर साइड। दो पर्दे बीच में रखे हैं, दो पर्दे साइड में, दोनों साइड दो दो पर्दे रखे हैं और बीच में दो पर्दे रखे हैं। अब हम पीछे जो हमने नंडे लगाए थे उस पर चिपकाएंगे और इधर से पेन में चिपकाएंगे। तो यहाँ पे अच्छे से हमने चिपका लिया है। अब यहाँ पे हम फ्लावर लगाएंगे, फॉर्म वाला फ्लावर जो आता है येलो कलर का, उसको लेंगे। आप कोई भी कलर का फ्लावर यूज़ कर सकते हो जो आपको अच्छा लगे।
मैंने यहाँ येलो कलर कर लिया, मुझे येलो कलर का अच्छा लग रहा था क्योंकि गोल्डन वर्क हमने यूज़ किया है इसलिए। अब हम पर्दे को अच्छे से सेट कर लेंगे, पहले तो सबको एक ही पर्दे को हम साइड में कर लेते हैं। अब उसके बाद जो गोटा को हमने यूज़ किया था, जो लैस हमने यूज़ किया था ढक्कन में यूज़ किया था, मसलन में यूज़ किया था, उसी लैस से हम पर्दे को बांध देंगे, नाप लेंगे कितना बड़ा हमको चाहिए और उसका 6 पीस हम कट कर लेंगे और पर्दे को ऐसे हम बांध लेंगे अच्छे से। मैंने एक बांधा, आपको एक और बांध के दिखाती हूँ कैसे बांधेंगे पर्दे को। पहले तो हम पर्दे अच्छे से सेट कर लेंगे, फिर डबल बार रोल करके उसको अच्छे से एक बार हम काट लगा देंगे। तो यहाँ भी मैंने सब पर्दे को अच्छे से बांध दिया है, तो हमारा जो बेड है वो बन के रेडी हो गया। मसलन मैंने यहाँ कांच का यूज़ किया है।